हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट्स डॉट कॉम। आज की जो टेक न्यूज़ है बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ निकल के आती है, वो आती है शाओमी की तरफ से। शाओमी जो एक ऐसी ब्रांड है जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, सिर्फ फ़ोन के कारण ही नहीं, बहुत से अलग प्रोडक्ट भी जो शाओमी निकाल रही है रेगुलर। जैसे अभी उन्होंने साउंड बार निकाला, टीवी निकाला, एयर प्यूरीफायर निकाला है, उसी की तरह एक और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है शाओमी के स्नीकर्स, MI स्नीकर्स, जो ये ऑलरेडी चाइना में रिलीज़ हो चुका है। इसका फर्स्ट वर्जन जो था वो चाइना में रिलीज़ हो चुका था 2017 में, अब ऐसा सुना जा रहा है। और ये बात लगभग कंफर्म ही है कि इंडिया में ये इसका स्नीकर्स लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि एक टीज कर निकाला है शाओमी ने, तो शायद आने वाले 2-3 दिन में वो स्नीकर्स के बारे में बता दे। जो उसका ट्रेलर और टीज टाइप का था वो आज उन्होंने शाओमी ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है। और दूसरी न्यूज़ निकल के आती है सैमसंग की तरफ से। जो सैमसंग का M सीरीज फ़ोन है वो काफ़ी गर्म हो रहा है, फ़ोन जहाँ पे कैमरा होता है उस पर, तो जिसकी वजह से यूज़र को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कई रिव्यूअर्स है जो पबजी वगैरह उन्होंने खेल के देखा है इस फ़ोन में, तो जो उसका फ़ोन के जो कैमरा होता है, कैमरे के पास वो फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फ़ोन। तो ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू तो शायद ही जाए, अगर ये सैमसंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ठीक कर सकता है तो ठीक है, वरना सैमसंग को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अभी तो ठंडी है इसलिए ज़्यादा पता पड़ नहीं पा रहा है, लेकिन गर्मियों के मौसम में शायद ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। जो तीसरी न्यूज़ निकल के आती है वो आती है ओला की तरफ से। जो ओला कैब है उस पर अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस के जो पैसेंजर्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह रोज बेसिस पे जाना पड़ता है, तो वो अब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन, जिनका उनके जो अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली बैलेंस कट हो जाएगा। जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजोन प्राइम हुआ, जिस तरीके से वो मंथली सब्सक्रिप्शन कट कर लेते हैं, उसी तरह आप ओला को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्कीम उन्होंने ओला मनी को पॉपुलेट करने के लिए निकाली है, क्योंकि जो गूगल पे है और पेटीएम फ़ोन पे है, तो इसको एक कॉम्पिटिशन देने के लिए उन्होंने ओला ये स्कीम निकाली है, ताकि वो ओला मनी को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लाए और हर महीने ऑटोमेटिक मनी जो है वो डिटेक्ट हो जाए यूज़र के अकाउंट से। चौथी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो आ रही है आधार कार्ड से रिलेटेड, इन द सेंस कि इंडियन स्टेट गवर्नमेंट जो है, झारखंड की जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये कम से कम अराउंड 1000 लोगों के जो आधार कार्ड की जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो चुकी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जो उनके डोमेन था वो किसी और ने एक्सेस कर लिया है, और इसकी वजह से अराउंड 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और उनके आधार नंबर है वो भी हैक हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो आधार हमारे देश का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अब वो इम्पॉर्टेंट उसकी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उसका 1000 लोगों से भी ज़्यादा के लोगों का जो आधार नंबर है वो हैक हो चुका है। पांचवी और लास्ट न्यूज़ निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल का फेस टाइम है, वो फेस टाइम हो चुका, उसमें आ चुका है बग, और वो बग बहुत काफ़ी वायरल हो चुका है, क्योंकि फेस टाइम जो है वो एप्पल का ऑफिशियल एक इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो चैटिंग ऐप है, जिसमें आप वीडियो चैट कर सकते हैं ग्रुप्स में भी, लेकिन उसमें जो बग है वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उस बग में जैसे मैं किसी एक को कॉल करता हूँ, किसी हमारे एक फ्रेंड को, तो उसमें वो अगर फ़ोन पिक भी नहीं करता उससे पहले ही वो मुझे देख सकता है या मैं उसे देख सकता हूँ। तो इस टाइप का बग है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एप्पल को। तो उन्होंने फ़िलहाल के डेट में, तारीख में, उन्होंने जो ग्रुप चैट वाला ऑप्शन था फेस टाइम से, वो हटा दिया है। तो ये थी टेक न्यूज़ आज के दिन की। तो ऐसी टेक न्यूज़ मैं इन फ्यूचर लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, पीस।